हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? माय नेम इज सीआर सुरेश गुप्ता। आप देख रहे हैं जी टेक सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, जो आज हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सेक्शन 80D की। सेक्शन 80D इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80D। हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हो तो उसकी भी डिडक्शन अलाउड है इनकम टैक्स के अंदर। फ्रेंड्स, उसकी भी डिडक्शन अलाउड है, मेडिकल इंश्योरेंस की भी डिडक्शन अलाउड है फ्रेंड्स इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। चलो देखते हैं फ्रेंड्स कितनी डिडक्शन अलाउड है आपको, कितना फायदा हो सकता है फ्रेंड्स आपको, ठीक है? चलो, लेकिन फ्रेंड्स वीडियो में स्टार्ट करने पर से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है? वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स मान लीजिए मैं अपना ही एग्जाम्पल लेके चलता हूं। मैं अपना खुद का, अपनी वाइफ का और अपने बच्चों का मेडिकल इंश्योरेंस करवाता हूं तो मुझे 25,000 रुपए तक की डिडक्शन अलाउड है सेक्शन 80D में। किन किन का फ्रेंड्स कहा मैंने? मैंने अपना, अपनी वाइफ और अपने बच्चों की बात करी, ठीक है? तो मुझे 25,000 रुपए तक की डिडक्शन मिल जाएगी। अच्छा फ्रेंड्स, मैं अगर अपने पेरेंट्स का और मेडिकल इंश्योरेंस करवाने लग जाऊं तो मुझे कितनी मिलेगी? अपने पेरेंट्स का अगर मैं मेडिकल इंश्योरेंस करवाता हूं तो मुझे कितनी और मिलेगी फ्रेंड्स? इन्होंने कहा है कि अगर आपके पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स की एज देखो कितनी है, अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन नहीं है, मतलब 60 साल से एज कम है, तो आपको उनकी भी एक्स्ट्रा डिडक्शन मिल जाएगी 25,000 रुपए तक। 25,000 तो फ्रेंड्स मेरे को अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए और अपने बच्चों के लिए मिलगी, ठीक है? और 25,000 रुपए मुझे अपने पेरेंट्स के लिए मिलगी अगर मेरे पेरेंट्स सीनियर सिटीजन नहीं है। मतलब मेरे को ओवरऑल कितनी मिलगी फ्रेंड्स? 50,000। अच्छा चलो थोड़ा सा केस चेंज करता हूं फ्रेंड्स। मान लीजिए मैंने अपना तो इंश्योरेंस करवा ही रखा है, अपनी वाइफ का भी अपने बच्चों का भी, उसके लिए तो मुझे 25,000 रुपए तक का अलाउड है ये डिडक्शन। मान लीजिए मेरे पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, तो मुझे कितनी डिडक्शन मिलेगी फ्रेंड्स? 25,000 रुपए तो मेरे केस में है ही एप्लीकेबल, प्लस अगर मेरे पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो मुझे प्लस में 50,000 और मिल जाएंगे। कितनी मिल जाएगी फ्रेंड्स डिडक्शन? टोटल डिडक्शन कितनी होगी? 75,000 रुपए, ठीक है? सेकेंड केस भी समझ आ गया। चलो थर्ड केस लेते हैं। मान लीजिए मैं भी बुढ़ा हो लिया, ठीक है? 60 साल से ऊपर की एज हो ली फ्रेंड्स, हाथ भी कांप रहे देखिए, ठीक है? मैं भी बुजुर्ग हो लिया, मेरी भी एज सीनियर सिटीजन हो चुके हैं और मेरे पेरेंट्स भी अभी जीवित हैं, वो भी सीनियर सिटीजन में है, तो 50,000 रुपए तक के लिए तो फ्रेंड्स मेरे को, और 50,000 रुपए का जो अपने मैं पेरेंट्स का प्रीमियम पे करूंगा, तो टोटल कितनी डिडक्शन मिलगी फ्रेंड्स मुझे इस केस में? 1,00,000 रुपए तक, 1,00,000 रुपए तक की डिडक्शन मुझे मिल जाएगी, ठीक है? अच्छा फ्रेंड्स, कहीं जाना ना, काम की बात तो मैं अभी बता रहा हूं। मान लीजिए मैं सीनियर सिटीजन हूं, ठीक है, और मैंने कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं करवा रखा। अब मेरे को कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मैं हॉस्पिटल में जाता हूं, खर्चा करके आता हूं ट्रीटमेंट के लिए, तो क्या मुझे उसकी भी डिडक्शन मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी फ्रेंड्स। कहा है कि अगर आप सीनियर सिटीजन हो, ओनली फॉर सीनियर सिटीजन है फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो उसके ऊपर अगर कोई एक्सपेंडिचर किया जाता है, मेडिकल एक्सपेंडिचर, तो उसके लिए भी आपको 50,000 रुपए तक की डिडक्शन अलाउड है सेक्शन 80D में। अच्छा फ्रेंड्स, जो ये मेडिकल इंश्योरेंस की बात करी मैंने, मेडिकल एक्सपेंडिचर की बात करी, इनकी पेमेंट आपको करनी है ओनली एंड ओनली इन द मोड ऑफ चेक, मतलब कैश में नहीं करनी, ठीक है? चेक से कर दो या फिर जो ये ऑनलाइन मोड चले हुए हैं, आपने ऑनलाइन नेट बैंकिंग से ट्रांसफर कर दिए या जो ये ऐप चली हुई है उनके द्वारा ट्रांसफर कर दिए, लेकिन कैश में नहीं करनी है फ्रेंड्स, ठीक है? तभी आपको डिडक्शन अलाउड होगी सेक्शन 80D में, ठीक है? अच्छा एक और चीज फ्रेंड्स, काम की बात है, कई बार हो भी जाता है हमारे साथ, हमने की मेडिकल इंश्योरेंस भी नहीं करवाया ना, मैं सीनियर सिटीजन, मेरा कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर हुआ, इन फ्रेंड्स मेरी एज है मान लो 30 साल और मेरे ऊपर
मैंने ये जाके ना डॉक्टर लाल पैथ लैब को चेकअप करा लिया, पूरे साल का चेकअप करवा लेते हम कि भाई फुल चेकअप कर दो, उस पर खर्चा भी आ जाता है फ्रेंड्स 3-4 हजार रुपए। तो फ्रेंड्स उसकी डिडक्शन भी अलाउड है सेक्शन 80D में, लेकिन कितने रुपए तक फ्रेंड्स 5000 रुपए तक, 5000 रुपए तक की डिडक्शन आपको अलाउड है। अच्छा फ्रेंड्स जो मैंने अभी बताया था ना मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह करवा रखे हैं, ठीक है, उसकी लिमिट भी बताई थी 25000, ठीक है, नॉर्मल केसेस या तो सीनियर सिटीजन है तो 50000 रुपए। जो ये 5000 रुपए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है वो भी उसी लिमिट के अंदर इंक्लूड है। एग्जाम्पल दूं फ्रेंड्स, मान लीजिए मैंने अपना प्रीमियम पे किया 30,000 रुपीज और मैंने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी पेमेंट भी कर दी 5000 रुपए, टोटल कितना हो गया फ्रेंड्स 35,000 प्लस में 5,000, 40,000 रुपीज पे किए। लेकिन मेरे को 80D के अंदर डिडक्शन जो अपने लिए मिलेगी वो केवल और केवल 25,000 रुपए तक की मिलेगी। मतलब फ्रेंड्स जो मैंने 50,000-50,000 रुपए की लिमिट बताई थी ना उसी के अंदर इंक्लूड है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ओके फ्रेंड्स।